प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई मिशनरी। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे एंड्री मुरे मिशनरी के बारे में। एंड्री मुरे, जिनका जन्म 9 मई 1828 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ग्राफ्ट रेनेट शहर में हुआ, इनकी मृत्यु 18 जनवरी 1917 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य दक्षिण अफ्रीका। एंड्री मुरे दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने वाले एक स्काउटिस्ट मिशनरी के बेटे थे। वे एक बहुत अच्छे ईसाई परवरिश में पले बड़े और मिशनरियों ने अक्सर उनके घर का दौरा किया, जिनमें से डेविड लिविंगस्टोन भी एक थे। एंड्रू कम उम्र से ही पादरी बनना चाहते थे, लेकिन खोई हुई आत्माओं के लिए बोझ के बजाय यह उनके लिए एक करियर विकल्प था। हालांकि नीदरलैंड के उट्रेच विश्वविद्यालय में अपने धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने हृदय परिवर्तन का अनुभव किया, जिसे उन्होंने बाद में वर्णित किया कि मैं अपने आप को मसीह पर लाद दिया। अपने अध्ययन के दौरान मुरे ने जर्मनी में जोहान ब्लमहार्ट के सेविकाई के बारे में सुना। वे ब्लमहार्ट से मिलने गए और देखा कि परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत कार्य चंगाई और जागृति के रूप में प्रबल हो रहे थे। उस अनुभव ने मुरे पर ऐसी एक गहरी छाप छोड़ी कि वे भी अपने देश में इस तरह के जागृति के लिए प्रार्थना करने लगे। सन 1848 में पादरी के रूप में नियुक्त किए जाने के कुछ समय बाद मुरे दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए और एक यात्रा सेविकाई करने लगे। वे अक्सर घोड़े पर यात्रा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के गांवों में किसानों को सुसमाचार सुनाते थे। बाद में उन्हें ऑरेंज रिवर सॉवरेनिटी के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अथक यात्रा की। सन 1860 में मुरे को वॉस्टेस्टर चर्च के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आध्यात्मिक जागृति का नेतृत्व किया था। उन्होंने आध्यात्मिक रूप से मृत गलीशियाओं को मिशनरी संस्थानों में बदल दिया। उन्होंने 3 संगठनों की स्थापना की, अर्थात मिशनरी यूनियन, द बाइबल एंड प्रेयर यूनियन और लेमेन मिशन लीग, जिनके माध्यम से उन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका में सुसमाचार मिशन का निर्देश किया। मुरे का अधिकार पूर्वक उपदेश घंटों भर की प्रार्थना पर निहित थे। जब भी वे उपदेश नहीं दे रहे थे, उस समय को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने की इच्छा रखते थे। सन 1877 में मुरे ने अमेरिका की भी यात्रा की और पूरे देश में कई पवित्र सम्मेलनों में प्रचार किया। सन 1879 में जब वे गले की बीमारी के कारण अपनी आवाज खो बैठे, तो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मिशनों के लिए अपने बोझ को पूरा किया। उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकों और ट्रैक्टों को प्रकाशित किया, जो अभी भी कई जीवन को बदलना जारी रखते हैं। प्रिय, क्या आपने अपने आप को मसीह के नियंत्रण में रखे हैं? प्रभु, मैं खुद को आपके नियंत्रण में रखती हूँ। मुझे उन जगहों पर ले जाएं जहाँ आप चाहते हैं कि मैं सेवा करूँ। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।